तो लास्ट हम कर रहे थे ये करड़ ऑपरेशन, और हमने डिसाइड किया था कि इस बार जो हम करड़ ऑपरेशन करेंगे वो हम पाइन कोन डेटाबेस के साथ करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक दफ़ा हम करड़ ऑपरेशन कर चुके हैं, बट वो हमने किया था प्लेन जावास्क्रिप्ट की ऐप में किया था। राइट, कर चुके हैं ना ये? प्लेन जावास्क्रिप्ट की ऐप में हमने एक दफ़ा किया था, लेकिन अभी हमने रिएक्ट सीखी है, तो हमने सोचा कि रिएक्ट पे एक दफ़ा और करड़ ऑपरेशन किया जाए। और इस बार हम ना सिर्फ सर्वर से फ्रंट एंड को कनेक्ट करना सीख रहे हैं रिएक्ट के ज़रिए, बल्कि साथ साथ हम एक नया डेटाबेस भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी 2 in 1 हम कर रहे हैं। तो पाइन कोन करके नाम है उस डेटाबेस का। ठीक है जी, पाइन कोन जो वो एक वेक्टर डेटाबेस है, और वेक्टर डेटाबेस की जो एप्लीकेशंस हैं वो चैट बॉट में और वेब एप्लीकेशन दोनों के अंदर एक्सटेंसिवली निकल के सामने आ रही हैं। ठीक है, पाइन कोन इज़ नॉट दी ओनली वेक्टर डेटाबेस, इसके अलावा भी बहुत सारे वेक्टर डेटाबेस मौजूद हैं, जैसा कि मोंगो डीबी ने रिसेंटली इसकी सपोर्ट दे दी है वेक्टर डेटाबेस की। ठीक है, लेकिन पाइन कोन जो है वो असल में ज़रा हाइप में, तो इसलिए हम पाइन कोन को डिस्कस कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम मूव कर जाएंगे मोंगो डीबी पे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जैसा कि रिपोर्ट किया है उन्होंने कि उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और पाइन कोन की प्राइसिंग भी कल हमने देखी थी अच्छी खासी ज़्यादा है, और फ्री वाले में इसने बहुत ज़्यादा लिमिटेशन लगा दी है, जैसा कि सब लोग अभी मुझे बता रहे हैं। 20 सेकंड में एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो बस ये इन्होंने इतनी सारी जो लिमिट्स लगाई हैं ना, इसकी वजह से शायद हम लॉन्ग रन में इसको यूज़ ना कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट तो भाई पैसे देने में क्लाइंट को मसला नहीं है, पैसे तो वो दे देगा, लेकिन पैसे देने से पहले ना वो चाहता है कि यार चलती हुई चीज़ दिखे, और थोड़े दिन तक वो उसको पैसे ना देने पड़े, ट्रायल पे चले थोड़े दिन। तो अगर ये उसको नहीं मिलता ना क्लाइंट को, तो फिर क्लाइंट बोलता है कि यार या तो चीज़ कोई बहुत ही टेस्टेड हो, दुनिया उसकी तारीफ़ें करती हो, या तो ये हो, ऐसा भी नहीं है फ़िलहाल के लिए, और अवेलेबल ऑप्शन दूसरे जो हैं वो हैं ज़रा कम पैसों में अवेलेबल हैं। वेल, तो हम देख लेते हैं कि अभी तक हमारे पास क्या कुछ हो चुका है। ये मेरे पास 6 डॉट करड़ ऑपरेशन करके ये फोल्डर है, जिसके अंदर बेसिकली एक एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है। ठीक है जी, सर्वर डॉट एम जी एस की फाइल इसके अंदर बनी हुई है, जिसमें ये तमाम की तमाम इसकी डिपेंडेंसीज जो मुझे चाहिए होती हैं वो मौजूद है। ठीक है, क्योंकि पाइन कोन का डेटाबेस हम सर्वर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए सर्वर पे मैंने इसको रिक्वायर किया हुआ है, साथ में ओपन एआई को भी रिक्वायर किया हुआ है, क्योंकि हम एम्बेडिंग जो है वो ओपन एआई की इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एम्बेडिंग के लिए भी और बहुत सारे अल्गोरिथम्स मौजूद हैं, जैसा कि हगिंग फेस रिसेंटली बड़ा मशहूर होता जा रहा है, तो वो हगिंग फेस के ज़रिए भी कर सकते हैं। हगिंग फेस एक्चुअली ओपन एआई का ओवरऑल पूरा कॉम्पिटिटर बनता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलते हैं जी आगे। आगे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आगे हमने यहाँ पे 2 APIs कंप्लीट कर ली थी, एक गेट की API और एक हमने पोस्ट की API कंप्लीट कर ली थी। देख लेते हैं इस API में हमने क्या कुछ किया था। हमने जी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर पोस्ट करते थे जब एक नई स्टोरी, तो रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर हम टाइटल और बॉडी के नाम से एक्सपेक्ट कर रहे होते थे कि हमें डेटा मिलेगा, और उसको हम क्या करते थे, ओपन AI के ज़रिए पहले वेक्टर में कन्वर्ट करते थे, और वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद जब हमारे पास वेक्टर आ जाता था, तो इसको हम पाइन कोन का एक इंडेक्स इनिशियलाइज करते थे, और उस इंडेक्स के अंदर इस वेक्टर को इस तरह से हम इसको डाल देते थे। ठीक है, अच्छा, जब हम इसमें वेक्टर सेव करवाते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम कुछ मेटा डाटा भी इसमें स्टोर करवा लें। ठीक है, मेटा डाटा में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली अपना एक्चुअल डेटा स्टोर करवा रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसमें मेटा डाटा स्टोर नहीं करवाते हैं, हम सिर्फ वेक्टर स्टोर करवाते हैं, तो हमारे पास प्रॉब्लम ये होगी कि वेक्टर तो मुझे मिल जाएगा जब मैं क्वेरी करूँगा, तो मुझे वेक्टर तो ही वापस मिल जाएगा, लेकिन मसला ये है कि इस वेक्टर को मैं एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने मेटा डाटा के अंदर एक एक्चुअल डेटा भी अपना साथ में स्टोर करवा दिया है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके यूज़ केस पे कि आपको इस मेटा डाटा की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, कुछ केसेस में नहीं भी हो सकती है आपको ज़रूरत, क्योंकि सम टाइम आप ये कर सकते हैं कि अलग डेटा बेस हो एक आपका, जिसमें आप एक्चुअल डेटा स्टोर करवाते हो, तो डेटाबेस में जब डेटा स्टोर होता है तो आपको कोई ना कोई आईडी देता है, तो अगर वो आईडी आपने यहाँ रखवाई हुई है तो शायद आपको फिर इस मेटा डेटा की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जब क्वेरी करेंगे ये आईडी मिलेगी, आईडी से आप उस वाले डेटाबेस में क्वेरी चला लेंगे। ठीक है, लेकिन आई वुड नॉट से कि ये कोई जो है ना सस्टेनेबल चीज़ है कि आप दो दो डेटाबेस में ना एक ही दफ़ा में क्वेरी करें। ठीक है, इसको कहते हैं हम टीयर्स, तो टीयर्स हमें कम से कम रखने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम रखें। ठीक है, तो हमने एक्चुअल डेटा यहाँ पे साथ में मेटा डेटा में सेव करवा दिया। अब जब भी मुझे ये पूरा डॉक्यूमेंट मिलेगा क्वेरी करके, तो मुझे ये मेटा डेटा भी साथ में मिलेगा।
अच्छा जी, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपसर्ट की रिक्वेस्ट कर देते हैं और यहाँ से हम कहते हैं जी स्टोरी सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारी पोस्ट की एपीआई क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह अब हम गेट वाले पे आ जाते हैं। गेट वाले पे हमने क्या काम करवाया कि जी तमाम स्टोरीज़ को गेट कर रहे हैं हम, सबसे पहली चीज़ तो ये। अच्छा, इसके अंदर हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम एम्प्टी स्ट्रिंग खुद से इसमें रख रहे हैं और इस एम्प्टी स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, हम उसकी एम्बेडिंग बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग रखें या कोई टेक्स्ट रखें, हम जब तमाम डॉक्यूमेंट गेट कर रहे होंगे तो ये मैटर नहीं करता कि क्वेरी में मैंने क्या लिखा है। अच्छा, फिलहाल मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग इसको दे दिया, इसका हम जो है ना बनाते हैं एक अदद एम्बेडिंग, ठीक है। अच्छा, एम्प्टी स्ट्रिंग भी मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता, मुझे क्वेरी करने के लिए इसकी भी एम्बेडिंग बनानी पड़ेगी, इसको भी वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बगैर वेक्टर में कन्वर्ट किए यहाँ पे पाइन कोन में कोई काम नहीं होगा। अच्छा, या मैं ये भी कर सकता था कि यहाँ पे एक दफ़ा डायरेक्ट एम्प्टी स्ट्रिंग का वेक्टर बना लेता और बना के उसको मैं वेरिएबल में स्टोर करवा देता, मैं ये भी कर सकता था। तो उससे होता ही है कि मेरे ओपन एआई की ना एक रिक्वेस्ट बच जाती, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो है मैंने ऐसा नहीं किया है, फ़िलहाल मैंने इसको इसी तरह छोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर एक इसको एम्प्टी स्ट्रिंग का वेक्टर बना के और उसको मैं अगर यहाँ पे रखवा देता तो मेरी जो ओपन एआई की एक रिक्वेस्ट बच जाती, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी, वेक्टर मेरे पास बनकर आ जाता है, ये वेक्टर एम्प्टी स्ट्रिंग का वेक्टर है। इसको मैं क्या करता हूँ, क्वेरी रिक्वेस्ट एक तैयार करता हूँ, ठीक है। पाइन कोड का एक इंडेक्स इनिशियलाइज़ करता हूँ और मैं कहता हूँ कि इंडेक्स डॉट क्वेरी, और क्वेरी रिक्वेस्ट के अंदर मैं वेक्टर भी दे सकता हूँ, आईडी भी दे सकता हूँ, दोनों में से कोई एक दे सकता हूँ। तो मैंने वेक्टर के ज़रिए सर्च किया अभी फ़िलहाल, क्योंकि आईडी के ज़रिए सर्च करूँगा तो एक ही डॉक्यूमेंट आएगा जिसकी आईडी होगी वो। वेक्टर के ज़रिए सर्च करूँगा तो उस वेक्टर से करीब करीब जितना भी डेटा है सब लेकर आएगा। तो मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग या वेक्टर में दिया उसको, एम्प्टी स्ट्रिंग का वेक्टर, और टॉप के मैंने इसको दे दिया 100। टॉप के का मतलब क्या है कि इसके करीब करीब के कितने डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, यानी जो भी चीज़ मैंने दी है इसके करीब करीब के जो और डॉक्यूमेंट हैं वो कितने डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। मैंने कहा 100 चाहिए मुझे। अब नो मैटर वॉट, ये मुझे 100 डॉक्यूमेंट ला के देगा, ठीक है। वो अलग बात है कि मेरे डेटाबेस में अगर 100 डॉक्यूमेंट हुई ना, जैसे मेरे डेटाबेस में भी 3-4 डॉक्यूमेंट हैं, तो वो 3-4 मुझे ला देगा, ठीक है। तो इस पर क्या, मैंने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था, दोबारा भी जिक्र कर रहा हूँ कि जैसे एक जगह है, एक गाँव है, उसमें 4 ही घर हैं, सही है, उसमें 4 ही घर हैं। मैं कहता हूँ कि यार ये वाले घर से जो, मैं कोई एक घर उसमें से बताता हूँ, मैं कहता हूँ ये वाले घर से जो करीब तरीन जितने भी घर हैं 200 घर मुझे ला के दो। तो करीब तरीन में पहले तो 4 आ गया, लेकिन अब जाहिर है उस गांव से 200 किलोमीटर के फासले पे भी घर मौजूद होंगे। तो जब मैं करीब तरीन में बोलूँगा ना कि मुझे 200 घर ला के दो करीब तरीन, तो उस 200 के अंदर क्या होगा, उस 200 के अंदर क्या होगा कि जो उससे 200 किलोमीटर दूर है ना वो भी उसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं उसको कह देता हूँ कि जी मुझे 100 डॉक्यूमेंट ला के दो या 200 डॉक्यूमेंट ला के दो, तो वो मुझे, वो ये नहीं देखता कि वो कितना करीब है, वो बस देखता है कि इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद कौन सा आता है, भले उसका फासला बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो मुझे ला के दे रहा होता है इसके लिए। अच्छा, ये हो गया जी हमारे पास। साथ में मैंने कहा कि इंक्लूड इसकी वैल्यू को करो, वैल्यू का मतलब है जो वेक्टर मैंने स्टोर करवाया वो वेक्टर पूरा मुझे ला के दो, और मेटा डाटा भी इंक्लूड करो। अच्छा, इस वक्त मैंने दोनों को ट्रू रखा है, लेकिन मोस्टली मेरे इस यूज़ केस में, इस स्पेसिफिक यूज़ केस में मुझे इसको रखना चाहिए फॉल्स, ठीक है, क्योंकि मुझे वैक्टर वापस नहीं चाहिए, मुझे असल तो चाहिए मेटा डाटा, ठीक है। तो वैक्टर को मैं फ़िलहाल के लिए फॉल्स कर देता हूँ, जो कि मुझे लास्ट क्लास में शायद कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने अभी किया। अच्छा, नेम स्पेस क्या चीज़ है, जब हम इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट तब भी हम बताते हैं कि जी किस नेम स्पेस में करना है, क्योंकि जो एक डेटाबेस है उसके अंदर अलग अलग कलेक्शंस के तौर पे ये डिवाइड हुआ है नेम स्पेस। तो जब मैं इसको डेटा को इंसर्ट करूँगा तो भी मैं नेम स्पेस बताऊँगा कि किस कलेक्शन में करना है, जब मैं क्वेरी करूँगा तो भी बताऊँगा। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि नेम स्पेस अलाउ नहीं कर रहा ये फ्री वाले में, तो मेरे पास भी फ्री वाला पाइन कौन है, लेकिन मैंने साइन अप कुछ अर्से पहले किया था, तो शायद इस वजह से नेम स्पेस चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। अब मेरी ये स्पेकुलेशन है कि शायद दोस्त ने जो है नेम स्पेस में कोई ऐसा कैरेक्टर ना डाल दिया हो जो उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, या बहुत शॉर्ट ना डाल दिया हो, क्योंकि ग्रुप में मैंने देखी थी वो स्क्रीनशॉट, उसमें वो 2-3 कैरेक्टर का नेम स्पेस था। तो ज़रा कैरेक्टर उसकी बढ़ा के देख लें, 5-6-10 कैरेक्टर का डाल के देखेंगे आप, तो फिर आपको मे बी आइडिया हो जाए कि यार।
शायद वो चल पड़े। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मुझे जो भी मैचेस मिलते हैं इसमें से वो मैं सीधा उठा के फ्रंट एंड के ऊपर भेज देता हूँ, ठीक है। और फ्रंट एंड के ऊपर जो है मैंने उसको डिस्प्ले भी करवा दिया था। आते हैं जी फ्रंट एंड के ऊपर क्या कुछ हो चुका है। अच्छा, सर्वर को मैं रन भी कर देता हूँ, सर्वर को मैं चला देता हूँ। ओके, 05 रिएक्ट CD 6 क्रड ऑपरेशन, ठीक है जी। इस फोल्डर के अंदर आ गया, मैंने कहा NPM रन डेव, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ CD वेब और NPM स्टार्ट, ठीक है जी। ये दोनों चल पड़े, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन के आ रहा है जी। सोशल स्टोरीज हमने नाम रखा था, हम एक सोशल मीडिया टाइप की एक ऐप बनाने जा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। टाइटल में मैंने उसके कुछ कुछ भी डाला यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कुछ भी डाला, और इसको मैंने पोस्ट किया। अच्छा, इसमें 10 कैरेक्टर चाहिए थे, उसको पोस्ट किया इसको मैंने, तो मेरे पास कॉन्सोल में यहाँ पे पोस्ट सक्सेसफुली लिखा हुआ जाता है। और जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो सर्वर से जो 4 डॉक्यूमेंट हैं, क्योंकि मैंने 100 डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं ना, तो जो 4 डॉक्यूमेंट है वो मुझे मिल जाते हैं, ठीक है। और इसमें अब की बार आप देखें वेक्टर नहीं आ रहा, वैल्यूज़ के अंदर ये खाली आ रहा है, ठीक है, सिर्फ मेटा डाटा आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ला के यहाँ पर डिस्प्ले करवा दूँगा मैं एक्चुअली, ठीक है। डिस्प्ले करवाने के लिए, या पहले APIs को कंप्लीट कर लेते हैं शायद। अभी हमने 2 APIs तो कर ली हैं, बाकी की भी 2 APIs बना लेते हैं, यानी कि एडिट और डिलीट। अच्छा, तो ये गेट की API हमारी क्या हो चुकी है, मोर और लेस ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है पुट की API है। अच्छा, पुट की API में ना हम मोर और लेस वही काम कर रहे होंगे जो हम एक्चुअली पोस्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये जो मेरे असल में मैंने सर्वर को पुरानी ऐप से कॉपी किया था, तो इसमें वो सारा कुछ हुआ हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, इसमें ये वैलिडेशन वगैरह लगी हुई है, शायद इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम वैलिडेशन लगा पाएँ ना, इसको एडिट कर पाएँ। तो मे बी मैं यही करता हूँ कि इस पुट वाली रिक्वेस्ट को ना पूरा का पूरा डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इस पोस्ट की एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है जी। इसका नाम मैं रख देता हूँ पुट, और ये हो गई जी इसकी API, ठीक है जी। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर अगेन मुझे टाइटल और यही मिलेगा, सही है, साथ में। लेकिन अब की बार मुझे क्या मिल रही होगी, ID भी मिल रही होगी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट ID, सही है, मुझे ID भी मिल रही होगी, क्योंकि जाहिर है मेरे पास स्क्रीन पे जब पोस्ट विजिबल होगी तो मेरे पास उसकी ID मौजूद होगी। तो मैं जब डिलीट का बटन दबाऊंगा या एडिट का बटन दबाऊंगा तो मुझे वो ID मिल रही होगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जी अगेन जो मुझे डेटा मिला है उसको मैंने क्या करना है, एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है। एम्बेडिंग में ये कन्वर्ट हो गया वंस, तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, इसको पाइन कोन में इंसर्ट करूँगा। लेकिन पाइन कोन में इंसर्ट करते हुए अब मैं नैनो ID वाली ID है नहीं दूंगा इसको, अब मैं कौन सी दूंगा, मैं रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट ID दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये इस नाम से ID पहले से मौजूद होगी, और इसी नाम से जब ये दोबारा इंसर्ट मारेगा तो पुराना वाला रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, एडिट का जो था वो बन गया, ठीक है। एडिट की रिक्वेस्ट हमारी ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अपडेटेड, तो ये एडिट की API हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब हमें चाहिए डिलीट की API ना, हाँ, मेथड एक ही है इसके अंदर, अपसर्ड है, मेथड एक ही है। अच्छा, फिर इसी पुट को मैं ज़रा एक कॉपी बना लेता हूँ इस पुट की, और एक्चुअली मुझे पुट की कॉपी बनानी चाहिए क्या, पुट की कॉपी मुझे नहीं बनानी चाहिए एक्चुअली, सही है, पुट की कॉपी मुझे नहीं बनानी चाहिए इस केस में। अच्छा, मैं जाता हूँ मेरे पास जो जहाँ से मैं लास्ट कोड कॉपी कर रहा था वहीं पे दोबारा चला जाता हूँ, जो मेरे पास एक एग्जांपल बनी हुई है पाइन कोन वाली। ठीक है, ये वो रिपोजिटरी है जहाँ पे मैंने एक अपने लिए एक क्या कहते हैं उसको, हेलो वर्ल्ड बना के रखा हुआ है एक्चुअली। तो मैं यहीं से सारा का सारा कोड मैंने कॉपी किया था। अच्छा, ये सारा का सारा कोड जो है वो पाइन कोन के डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है ना, मैं वो डॉक्यूमेंट का भी आपको मुंह दिखा दूं ज़रा कि किस तरह का है वो।
ठीक है। तो यहाँ पे ना ये सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ है कि जी इंडेक्सेस क्या होते हैं, और जी आपने ना ऑपरेशंस जो करने हैं, ये रहा इंसर्ट डेटा जो है ना, यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि जी आप ऐसे करके इसको इनिशियलाइज़ करोगे, ठीक है, और उसके बाद आप ना इंडेक्स को यहाँ पे बना के, और जी आप इस तरह से करोगे। ये डॉक्यूमेंट भी इन्होंने थोड़ी सी अपडेट की है, पहले ये रिकॉर्ड्स करके नहीं बोलते थे इसको ये। वेल मोर और लेस वो कोड वही है, लेकिन कोड नहीं चेंज हुआ। सही है। यहाँ पे अभी इंसर्ट वाला पता नहीं कहाँ कर दिया ना। हाँ ये आ गया ना, इंसर्ट का यहाँ पे इन्होंने कोड मेंशन किया हुआ है कि जी ये इस तरह से करके आप इंसर्ट करोगे, ठीक है। आईडी है, वैल्यूज़ और साथ में मेटा डाटा है। तो ये सारा कुछ मैंने यहीं से देखा है, ठीक है, कहीं और से इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं है। जो भी मैंने कोड लिखा है वो इसी डॉक्यूमेंट्स में से देख के लिखा है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसकी क्वालिटी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस सेंस में कि एकेडमिक्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो इसी डॉक्यूमेंट से देख के किया तो ज़ाहिर है अच्छी नहीं होती, डॉक्यूमेंट तो बनता ही नहीं मेरे से ये। लेकिन जो एकेडमिक्स के हवाले से ना अगर देखा जाए, तो इस डॉक्यूमेंट की क्वालिटी ज़रा उस तरह की नहीं है कि जैसे स्टेप बाय स्टेप अगर मैं इसको फॉलो कर सकूँ, तो इस काबिल फ़िलहाल नहीं है ये डॉक्यूमेंटेशन ना, ठीक है। जैसे कि एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन इस मामले में बड़ी अच्छी है, तो उन्होंने इंक्रीमेंटल वे में ज़रा हेलो वर्ल्ड वगैरह एक बनवाया हुआ है, तो इन्होंने वो काम नहीं किया, इन्होंने ज़रा दूसरे स्टाइल में इसको लिखा है ना। और या इसी तरह आप जैसे फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन है, वो ज़रा इस मामले में बड़ी अच्छी है कि वो इंक्रीमेंटल वे में ज़रा आपको लेके चलती है, ठीक है। जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वैसे उसके अंदर रिवाज आजकल यही है कि दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है गाइड का सेक्शन और एक होता है रेफरेंस का सेक्शन। तो वो गाइड जो होता है वो असल में एकेडमिक्स के हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ होता है कि कोई बंदा पहली दफ़ा आया तो वो ज़रा स्टेप बाय स्टेप उसको करवाते हैं, और जो रेफरेंस होता है वो डेवलपर्स के हिसाब से होता है। तो ये काइंड ऑफ रेफरेंस है, अभी गाइड इसके अंदर अभी तक नहीं आई है। तो इसलिए मैं जो है ना उसको डॉक्यूमेंट को एज इट इज़ फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ से कोड को चला रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे मेरे पास ना डिलीट ऑल वेक्टर का भी एक मैंने बनाया हुआ है एग्जांपल कि डिलीट ऑल वेक्टर कैसे होगा, लेकिन शायद मुझे डिलीट ऑल वेक्टर की ज़रूरत मेरे केस में नहीं है। तो मुझे जो है ना अच्छा डिलीट सिंगल की तो मैंने बात ही नहीं की है यहाँ पे ना, डिलीट ऑल ही की बात की है मैंने सिर्फ। आ जाओ चलो इसी को कॉपी करते हैं। एक्चुअली इसमें एक वो होता है, जस्ट एक फ्लैग होता है डिलीट ऑल का। आ जाओ यार डिलीट करते हैं इसको। अच्छा जी अगेन मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स इनिशियलाइज़ किया, और डिलीट रिस्पॉन्स करके जो है ना यहाँ पे एक डिलीट की रिक्वेस्ट तैयार हुई भी है। अच्छा इसके अंदर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट ऑल ट्रू, तो ज़ाहिर है ये तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं अब की बार क्या यूज़ करूँगा, मैं इसको आईडी दूंगा, ठीक है, आईडीज़ एक्चुअली दूंगा मैं इसको, और कॉमा डाल के यहाँ पे मैं जितनी भी आईडी मैंने देनी होगी यहाँ पे वो सारी मैं लाइन से दे दूँगा। मेरे केस में मेरे पास सिर्फ अभी एक ही आईडी है, सही है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, तो मैं इसको ये दे दूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा हम इस सिंटेक्स को वेरीफाई भी कर लेते हैं ज़रा पाइन कोन के अपने डॉक्यूमेंट से, ठीक है, पाइन कोन डिलीट, यहाँ से आके हम ज़रा इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमने क्या सही किया या गलत किया है। ठीक है, डिलीट करने के यहाँ पे ये वाले तरीके बताए मैं कि इंडेक्स डॉट डिलीट वन, डिलीट वन रिकॉर्ड बाई आईडी। आई थिंक ये वाला मेरे केस में शायद ज़्यादा बेहतर है, ये डिलीट वन वाला। अच्छा डिलीट मैनी है एक, और एक डिलीट ऑल है। अब इन्होंने ज़रा ये तीन अलग अलग बना दिए, चलो अच्छी बात है, ये भी अच्छा किया इन्होंने, ठीक है। तो शायद मेरे केस में ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, डिलीट वन वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको चेंज कर देता हूँ और इंडेक्स डॉट डिलीट वन लगा देता हूँ इसमें। अच्छा लेकिन स्टिल मुझे नेम स्पेस तो देना है, तो इसमें नेम स्पेस मेरे पास तो नेम स्पेस के हिसाब से सेव है। अब इसमें नेम स्पेस कैसे दूंगा मैं, अच्छा अगर मुझे नेम स्पेस देना है तो मैं कह रहा है कि इंडेक्स डॉट नेम स्पेस करके चलाऊँ इसको मैं, इंडेक्स डॉट नेम स्पेस करके पहले नेम स्पेस बनाऊँ और नेम स्पेस के ऊपर डिलीट वन चलाऊँ। चलो ये ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये भी यहीं पे रखा हुआ है, और साथ में मैं क्या कर देता हूँ,
ऐसे नेम स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, नेम स्पेस मेरे पास जो है वो क्या है, ये वाला है। ठीक है जी, इंडेक्स यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, इंडेक्स डॉट नेम स्पेस, नेम स्पेस यहाँ पे डाल दिया, ये एनएस बन के आ गया, एनएस डॉट डिलीट वन किया, और यहाँ पे अब मैं करूँगा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आई डी। सही है, तो ये हो गया, इस वाले को हटा देता हूँ मैं। अच्छा, और यहाँ पे मुझे डिलीट का जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ये डिलीट का रिस्पॉन्स मिला, इसको मैंने यहाँ पे कॉन्सोल करा दिया, और साथ साथ में रिस्पॉन्स डॉट, अच्छा इसको ऑब्वियसली मैं इस पूरे के पूरे काम को मैं ट्राई कैच में करूँगा। ठीक है, तो आओ ट्राई कैच को ज़रा यहाँ से कॉपी मार लेते हैं। ठीक है, ट्राई कैच में करने से बेनिफिट हमें ये होगा कि जो है ना, अगर किसी भी किस्म का कोई इसमें एरर आता है तो वो मुझे पकड़ के बता देगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ट्राई का ब्लॉग यहाँ से शुरू है और ये कैच का ब्लॉग यहाँ पर है। अच्छा, इसमें कॉन्सोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स हो गया था, मैं यहाँ पे कहूँगा स्टोरी डिलीटेड सक्सेसफुली। ये मेरी क्या हो गई, डिलीट की एपीआई कंप्लीट हो गई। अब एक लास्ट एपीआई मैंने बनानी है सर्च की, लेकिन पहले स्क्रड को ज़रा यूआई पे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फिर हम वापस आके सर्च की एपीआई बनाते हैं। अच्छा, इसको अब मैंने टेस्ट करना है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसको फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करूँ फिर टेस्ट करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ्रंट एंड की इंटीग्रेशन की तरह जब मैं बढ़ूँ तो मुझे 100% श्योरिटी हो कि जी मेरी एपीआई सही काम कर रही है। ठीक है, अदरवाइज़ मुझे पलट के वापस सर्वर की तरफ ना आना पड़ जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसके लिए मैं पोस्टमैन का इस्तेमाल करूँगा ऑब्वियसली, और पोस्टमैन का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको टेस्ट करूँगा इस पूरी एपीआई को हमारे। अच्छा, पोस्टमैन के अंदर अगर मैं देखूँ तो हम जो लास्ट हमने क्रड ऑपरेशन बनाया था तो उसकी एपीआईज यहाँ पे बनी हुई है ना। ठीक है, उसकी एपीआईज यहाँ पे बनी हुई है, तो हमने उसके अंदर सिर्फ की को चेंज किया है, बाकी तो सब कुछ वही है। तो पोस्ट अ प्रोडक्ट पे अगर मैं जाता हूँ तो अब हमारे पास क्या है कि स्लैश प्रोडक्ट यहाँ पे था पहले, और अब की बार क्या होगा यहाँ पे, अब स्टोरी होगा। ठीक है, और स्टोरी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे टाइटल है और बॉडी है। सही है, बॉडी के अंदर ज़रा मैं कुछ काफ़ी सारा टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, स्लैश एपीआई स्लैश वी वन स्टोरी है, सही कहा तुमने। बेस यूआरएल में अभी क्या है, लोकल होस्ट 3001 है, और हमारे पास यहाँ पे क्या है 5001 है। तो मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाऊँगा यहाँ पे, और इन्वायरमेंट वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू तो ये है, इसको रहने दूंगा मैं। करंट वैल्यू को मैं कर दूंगा चेंज, करंट वैल्यू को कर दूंगा मैं चेंज। तो ये जो वैल्यू है ये थोड़ी देर के लिए नहीं, मतलब मेरे सेशन के लिए ये चेंज हो जाएगा जब तक उसको मैं वापस ना कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हाथ रखूँगा तो मुझे देखो यहाँ पे 3001 इनिशियल दिख रहा है, और करंट लेकिन 5001 है, तो अभी जो रिक्वेस्ट लगेगी वो 5001 पे लगेगी। अच्छा, मैं हिट करता हूँ इसको। ठीक है, स्टोरी क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। अच्छा, ज़रा मैं इसको डिफरेंट टाइटल के साथ करता हूँ, सही है, दोबारा हिट करता हूँ इसको मैं। ठीक है जी, तो ये हो गया, 1800 मिली सेकेंड ये ले रहा है। 1800 मिली सेकेंड इज़ नॉट एन आइडियल रिस्पॉन्स टाइम इस सर्वर के लिए, लेकिन चलो ठीक है, मतलब चल रहा है, काम कर रहा है। ये जो है ना, ये 200 से लेके 500 तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना ये मसला है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब उससे ज़्यादा होने की यहाँ पे मेरे केस में 2-3 अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये है कि मेरे पास जो इंटरनेट का कनेक्शन इस वक्त अवेलेबल है, हो सकता है उसके अंदर ही लेटेंसी आ रही हो। ठीक है, आओ चेक कर लेते हैं ना उसमें क्या लेटेंसी है, क्योंकि इस वक्त सर्वर मेरी मशीन में चल रहा है ना, तो मेरी मशीन में चलने का मतलब है कि इंटरनेट मेरी मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये मैंने मोर इन्फो किया। अच्छा, लेटेंसी मेरी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, 10 ms 11 ms आ रही है। तो जो उसमें से मेरे पास 1800 मिली सेकेंड आया ना, उसमें से 11 तो मेरे इंटरनेट का है, बाकी का जो आगे नॉड्स हैं, यानी मेरे मशीन से रिक्वेस्ट निकली है और मेरी मशीन से रिक्वेस्ट निकल के गई है कहीं,
और उस सर्वर ने जो टाइम लगाया ना, तो वो सारा का सारा वो है वहाँ। ठीक है, मेरी मशीन में इस वक्त कोई लोड भी नहीं है, मेरी मशीन बिल्कुल प्रोसेसर फ्री पड़ा हुआ है। ठीक है, 28% 20% है। ठीक है, रैम भी जो है वो उसके ऊपर स्ट्रेस लेवल 2 का स्ट्रेस है इस वक्त, तो ठीक है, रैम का भी इशू हो नहीं सकता ये। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरे पास जो डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे मेरे जो मेरा सर्वर है उस पर है ही एक ही चीज़ डेटाबेस है बस, तो वो डेटाबेस ज़रा रिस्पॉन्स जो है स्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा हमारे सर्वर पे भी ना दो चीज़ें हो रही हैं। नंबर एक तो ओपन ए आई हिट हो रहा है, सही है, ओपन ए आई को हम कॉल करते हैं और वहाँ से पहले वेक्टर बन के आता है, फिर वो वेक्टर हम डेटाबेस में डालते हैं। तो ये जो मतलब समझ लो 1800 जो मिली सेकेंड है ना, ये उन दोनों को मिला कर है। ठीक है, तो आओ ज़रा देख लेते हैं कि किसका रिस्पॉन्स टाइम कितना आ रहा है। ये सर्वर में ये चीज़ें बड़ी आपको ना कसरत से इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें भी डिस्कस करता जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब हम एग्जियोस से इसको हिट कर रहे होते हैं ना, अच्छा एक्चुअली हम एग्जियोस से तो नहीं हिट कर रहे, लेकिन इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि जो हमारा रिस्पॉन्स है ना ये वाला, ये जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स होता है ये वो है, यानी रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके इसमें देखो चीज़ें मिल रही हैं ना हमें, तो मुझे यहाँ पे ना ये वो भी बताता है कि रिस्पॉन्स टाइम कितना आया। तो मैं ज़रा इसको जो कंसोल करवाता हूँ ना, ये जो मैं वेक्टर कंसोल करवाता हूँ कि ये ओपन एआई से जब वेक्टर बन के आता है तो वो किस तरह का होता है, उसको मैं यहाँ कंसोल कराता हूँ। तो उस वेक्टर के फौरन पहले, उस वेक्टर से एक लाइन पहले मैं कहता हूँ कि यार मुझे ना आप रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स डॉट, देख लेते हैं यार एक मिनट, मैं भूल गया क्या लिखते थे हम। हाउ टू गेट रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम एक्सियोस ना, अच्छा ये कह रहा है इस तरह से करके मिल जाएगा, लेकिन इस तरह करके नहीं, उसमें डायरेक्ट भी एक आ रहा होता है उसमें। अबे क्या बताया भाई लोगों ने, ये वो रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट के अंदर ही ना एक जगह पे वो आ रहा होता है। ये तो सब लोगों ने जुगाड़ें बताई भी हैं। रिस्पॉन्स टाइम इन रिएक्ट जेएस, इसने भी जुगाड़ बताया हुआ, कह रहा है शुरू में एक टाइम बना लो और उसके बाद ऐसे करके कर लो। चलो जो इस बंदे ने बताया था उसको हम ज़रा ट्राई करते हैं, और पूरे रिस्पॉन्स को भी ज़रा हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। सही है, अब आ गया, अगेन ही अच्छा वेक्टर वाले को थोड़ी देर के लिए मैं वेक्टर को रोक भी देता हूँ, क्योंकि वेक्टर जो है ना काफ़ी लंबा चौड़ा सा कंसोल आता है वेक्टर का ना। अच्छा यार मुझे रिस्पॉन्स टाइम निकालने का कोई मिल रहा नहीं है फिलहाल, या शायद पता नहीं हलूसिनेशन हो रहा है मेरे को जैसे चैट जीपीटी जैसे हलूसिनेशन करता है ना, ऐसे शायद हलूसिनेशन हो रहा है कि जो है ना। प्यारे दोस्तों खामोशी, ज़रा खामोशी, इधर मुतवज्जो हो जाओ। मुझे लग रहा है कि शायद इसमें डॉट करके कुछ आता था, एक एमएस करके, लेकिन वो है नहीं एक्चुअली, पता नहीं, शायद मुझे लग रहा है मेरा वहम है शायद। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या कर लिया यहाँ पे ना, एक स्टार्ट टाइम करके वेरिएबल बना दिया, एपीआई जैसे हिट होगी पहली लाइन में एक स्टार्ट टाइम नोट कर लिया हमने कि जी इस टाइम पे हुआ है, और उस स्टार्ट टाइम के ऊपर फिर हमने क्या किया है, जैसे ही ओपन एआई की रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पॉन्स कंप्लीट होता है, तो इस रिस्पॉन्स टाइम को यहाँ पे उस वक्त के टाइम से माइनस करके प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे मुझे वो पता लग जाएगा कि जिस वक्त स्टार्ट हुआ था उससे कितनी देर के बाद यहाँ तक पहुँचा ये। और फिर उसी के बाद जब मैं इसको अपसर्ट की रिक्वेस्ट लगाता हूँ, तो उसके बाद भी मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करवाया,
क्योंकि उससे मुझे पता लग जाएगा कि स्टार्ट टाइम से फिर कितनी देर के बाद ये यहाँ पहुँचा है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं हिट करता हूँ यहाँ से आके अगेन इस API को, ठीक है जी, तो इसने अब की बार तो और ज़्यादा लिए हैं, 2.5 सेकंड लिए हैं अब की बार। और इस 2.5 को अगर हम यहाँ पे देखें, अगर तो जो पहला वाला रिस्पॉन्स टाइम है वो 767 मिली सेकेंड है, ठीक है, जो कि ओपन AI का रिस्पॉन्स मुझे मिला है। ओपन AI का रिस्पॉन्स वैसे 500 से थोड़ा सा ऊपर ही जा रहा है, लेकिन ठीक है, नॉट बैड, सही है। तो ये आ गया मेरे पास। अच्छा, दूसरा मेरे पास जब वही रिक्वेस्ट जब आगे बढ़ के पाइन कोन तक पहुंची है, तो उस वक्त तक 2.2 सेकेंड्स गुजर चुके थे, तो पाइन कोन का रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत गंदा है। अच्छा, एक और मसला, इस चीज़ के का कोई हल भी नहीं है, इस चीज़ का कोई हल नहीं है। ये जो मेरे पास मसला आ रहा है ना, मिसाल के तौर पे मेरे पास मसला ये आ रहा है इस वक्त कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आती है, उसको ये जो 2 API कॉल लग रही है ना, यक के बाद दिगरे जो लग रही है कि भाई एक कंप्लीट होगी तो दूसरी API कॉल लगेगी, इसका तो कोई हल है ही नहीं ना। ठीक है, पाइन कोन के अंदर इसका कोई हल नहीं है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ये टाइम बचा लूं। मैं चाह रहा हूं मैं 200 मिली सेकेंड के अंदर जवाब ला के दूं, मैं कैसे करूं ये मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अगर दोनों APIs बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं ना, अगर तो जब भी मुझे ना तकरीबन 250-300 मिली सेकेंड देना एक नॉर्मल बात है API के लिए, तो 300-300-600 मिली सेकेंड यहाँ हो गए और आने और जाने में 100 के करीब मिली सेकेंड लगेंगे, तो 700 मिली सेकेंड से नीचे मैं अपनी API को कभी भी नहीं ला सकता इस सेटअप के अंदर। लेकिन अगर यही काम मैं MongoDB में करता हूँ ना, तो उसके अंदर इसका एक हल है। उसके अंदर वो क्या करता है, वो बोलता है कि यार आप ना जैसे डॉक्यूमेंट रखते हो ना लाकर, सेम वैसे ही डॉक्यूमेंट रखो आप लाके, आप कुछ नहीं बोलो पाइन कोन वगैरह, आप कुछ नहीं वेक्टर की बात करो, आप जस्ट डेटा ला के रखो और जाओ आप। सही है, तो वो 200 मिली सेकेंड में बहुत आराम से ये काम हो जाता है। ओपन AI बिल्कुल उसमें भी यूज़ होती है, वेक्टर हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ओपन AI का उसमें भी उसी का यूज़ करेंगे ओपन AI का। अच्छा, फिर वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि यार डेटा आप रख के चले गए ना, अब पीछे उनका एक ट्रिगर है जिसको आप समझ लो, आप उसको बोल लो कि एग्रीगेशन बोल लो एक तरह का, आप काइंड ऑफ एग्रीगेशन वैसे है तो नहीं, वो ट्रिगर है एक तरह का उनका, तो वो ट्रिगर जो है ना खुद चलता है, जैसे ही एक नया डॉक्यूमेंट आता है वो ट्रिगर चलता है उस डॉक्यूमेंट के लिए चलता है, और उस ट्रिगर में उस डॉक्यूमेंट का हैंडल मिलता है। तो उस ट्रिगर के अंदर हम क्या करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को पूरे को उठाते हैं, उसको OpenAI से हम वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको वेक्टर बना के और वापस उसी डॉक्यूमेंट में उसका एक वेक्टर रखवाते हैं। सही है, तो इससे होता क्या है कि ये चीज़ ज़रा बैकग्राउंड में चली जाती है, बावजूद इसके कि इससे हमारे डेटाबेस का लोड बढ़ेगा, डेटाबेस के अंदर CPU की कैपेसिटी या जो जो भी रैम है मेरे डेटाबेस में, क्योंकि डेटाबेस इटसेल्फ भी एक कंप्यूटर होता है ना, पूरा जो MongoDB एटलस है वो इटसेल्फ एक कंप्यूटर है एक्चुअली, उसमें रैम प्रोसेसर दोनों होता है, तो उसमें रैम और प्रोसेसर की जो रिसोर्सेज हैं वो ज़ाहिर है इंक्रीज़ होगी ऐसा करने की वजह से बैकग्राउंड में। अब मिसाल के तौर पर हर सेकंड अगर 2000 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो वो हर सेकंड वो 2000 दफ़ा वो फंक्शन चलेगा, तो जितनी उसको रैम रिसोर्सेज चाहिए होंगी वो चाहिए होंगी। ठीक है, लेकिन उससे फ़ायदा ये होता है कि मेरी API रिक्वेस्ट जो है वो फास्ट हो जाती है, API कॉल्स जो मेरी लग रही हैं फ्रंट एंड से, वो ज़रा स्पीड उसकी बहुत बढ़ जाती है। तो ये भी एक वन ऑफ दोज रीजंस है जिसके वजह से ना मुझे पाइन कोन इतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, MongoDB ने रिसेंटली ये फीचर दिया है, पहले उसके पास नहीं था, लेकिन जो है ना मच बेटर वे में उन्होंने इस काम को किया जो यहाँ पे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टिल पाइन कोन जो वो वन ऑफ द फर्स्ट है, ज़रा हाइप में है, लोग नाम ले रहे हैं आजकल इसका, इसलिए यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, वरना यहाँ पे डिस्कस इसको करना नहीं था मैंने इन रीजंस की वजह से। अच्छा जी, पोस्ट को मैंने ट्राई करके देख लिया, बिल्कुल सही चल रहा है, अब ज़रा गेट को हम ट्राई करके देख लेते हैं। सही है, गेट की API मैंने कॉल करनी है और मैं आ जाता हूँ ये गेट वाले में, गेट ऑल एक्चुअली है मेरे पास ना, ठीक है, STORIES स्टोरीज, और मैं इसको हिट करता हूँ जैसे ही। ठीक है, अब की बार मेरा URL ज़रा सा चेंज है, तो ये सारी की सारी स्टोरीज मेरे पास क्या हो गई है, गेट हो के आ गई है। अगेन मुझे जो रिस्पॉन्स टाइम मिला है वो 2.58 सेकेंड्स मिला है। ठीक है, 2.58 सेकेंड्स। अच्छा, इसको मैं अगर मल्टीपल कॉल्स मारता हूँ तो थोड़ा कम भी हो जाता है ये, ठीक है, 1000 मिली सेकेंड तक ही हो जाता है, 800 तक हो जाता है, क्योंकि API कॉल में तमाम में तकरीबन यही है कि जब वो चल रही होती है ना कंटिन्यूसली, तो ज़रा वो तेज़ चलती है, फिर ना अगर उसको थोड़ी देर छोड़ दो तो वो ज़ाहिर है पीछे कुबरनेटीज का सेटअप होता है, तो वो ज़रा रिसोर्सेज को फिर वो डाउन कर देता है।
ठीक है, तो मैं कंटिन्यूसली जब इस पर रिक्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कंसिस्टेंट जो इसमें मिल रहा है ना वो 1100 मिली सेकेंड मिल रहा है। ठीक है, मुझे ये कंसिस्टेंट मिल रहा है, ये वाला मिली सेकेंड। ठीक है, तो गेट करने के अतबार से जो है वो ये अच्छा खासा टाइम है, 500 मिली सेकेंड जो है वो ना इनफ था गेट करने के लिए भी। ठीक है, अगेन ये काम क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि मेरे पास दो दो API कॉल लगती है गेट करते वक्त भी। ठीक है, अच्छा गेट करते वक्त मुझे MongoDB में भी ऑब्वियसली दो API कॉल लगानी पड़ेगी, लेकिन चलो खैर है। अच्छा जी, आ जाते हैं अब आगे हम, और अपना जो ये एडिट वाला जो है ना, गेट को चेक कर लिया, पोस्ट को चेक कर लिया, अब हम एडिट वाले को चेक कर लेते हैं। सही है, एडिट वाले को चेक करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक पोस्ट कर देता हूँ एक अच्छा सा यहाँ पे ना, बल्कि नहीं, गेट ऑल डॉक्यूमेंट में जाके ना कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मैं क्या कर दूँ, एडिट कर दूँ। अच्छा, जो सबसे पहला आ रहा है ना मेरे पास, ये इसकी आईडी है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और इसी को कॉपी करके मैं इसकी जो टाइटल और बॉडी है ना वो दोनों चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं गया एडिट वाले पे। ठीक है, अपडेट अ प्रोडक्ट है ना, तो इसमें क्या होगा, अब स्लैश API स्लैश V1 और स्लैश स्टोरी, और स्टोरी के बाद उसकी ID। ठीक है, ये हो गया जी, और बॉडी में अब क्या दे रहा हूँगा, मैं टाइटल दे रहा हूँगा और बॉडी दूंगा। मैंने कहा कि यार न्यू टाइटल और न्यू बॉडी, राइट। अब जब मैं इसको हिट करता हूँ तो वो अपडेट लग जानी चाहिए उसके ऊपर। क्या हुआ, यहाँ पे एरर आ गया क्या कोई? आज की डेट में अपडेटेड सक्सेसफुली, 17 सेकंड में मुझे इसका रिस्पांस मिला है, राइट। अगर अगेन मैं इसी को अपडेट करूँ तो क्या मुझे कम में मिल जाएगा? अच्छा, अगली दफ़ा मुझे सही मिलता है, कम में मिलता है। ठीक है, 900 मिली सेकेंड तक मुझे मिल रहा है। अच्छा जी, तो अब हम गेट ऑल करके देखते हैं कि क्या वाकई वो अपडेट हो गया। अब मैं गेट ऑल करता हूँ तो मुझे ये अपडेट हुआ हुआ मिल रहा है। एक मिनट, क्या थी उसकी आईडी यार? अपडेट अपडेट अपडेट, ये थी उसकी आईडी, 0405 था लास्ट में उसके, 0405 था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या वो आईडी आ भी रही है कि नहीं आ रही। अब इतने सारे में मैं उस आईडी को कहाँ ढूंढूंगा। हाँ, 0405 आ तो रही है, लेकिन अब की बार वो ज़रा नीचे चली गई, लास्ट वास्ट में चली गई, लेकिन अपडेट हो गई है। अच्छी बात यह कि वो अपडेट हो चुकी है। ठीक है, वैल्यूज़ क्योंकि मैंने मंगवाई नहीं है वेक्टर, इसलिए वो आया नहीं। अगर मैं वेक्टर पर ट्रू करता तो वेक्टर भी आ रहा होता मेरे पास। अच्छा जी, तो ये मेरी क्रड की जो API है पूरी की पूरी, ये क्या हो गई है मेरे पास, कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, राइट। ठीक है, डिलीट वाले को भी चेक कर लेते हैं लगे हाथों। अच्छा, डिलीट हम उसी को कर लेते हैं जो वो वाली आईडी थी। मैंने कहा स्लैश API स्लैश V1 स्लैश स्टोरी स्लैश, और उसकी आईडी आ गई। ठीक है, आईडी डिलीट की रिक्वेस्ट में मुझे बॉडी में कुछ भेजना नहीं है। ठीक है, तो बॉडी को मैं एम्प्टी कर देता हूँ यहाँ से। एम्प्टी ना भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। अच्छा, मैंने हाँ, ठीक है, नॉट फाउंड बोल दिया था इसने। अच्छा, दोबारा हिट किया, फेल टू क्रिएट स्टोरी। अच्छा देखो, डिलीट में एक एरर था ना, डिलीट में एक एरर था, वो पता लग गया यहाँ पे, डिलीट में ही एरर है। अच्छा जी, ये डिलीट की हमारी API है, और आज वो अब देखते हैं क्या एरर दिया इसने। ये डिलीट की API यहाँ से शुरू हुई है, इसने कहा कि भाई इंडेक्स डॉट नेम स्पेस इज़ नॉट अ फंक्शन। और तेरी खैर, यहाँ से जो मैंने डॉक्यूमेंट से देखा था वो डॉक्यूमेंट गलत है। पाइनकोन डैश डेटाबेस स्लैश पाइनकोन, हमने यही वाला किया हुआ है। पाइन कोन क्लाइंट, और इसने क्या उठाया हुआ है, जस्ट पाइन कोन और न्यू पाइन कोन। अब पता नहीं ये वाला नया डॉक्यूमेंट है या वो वाला नया डॉक्यूमेंट है, अभी कैसे पता लगेगा। अब
अब ये कैसे पता लगेगा ये कौन सा नया है? तो मैं इसको रोक के जो पुराना वाला कोड था अपना उसी को चलाता हूँ, ठीक है? पुराने वाले कोड को चलाता हूँ ऐसे करके, डिलीट वन ही है ये भी, लेकिन ज़रा इसको लिखने का अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ है, ठीक है? तो अपने पुराने वाले कोड को मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, होपफुली ये चल जाए, ठीक है? इसमें डिलीट सक्सेसफुली हो गया, इसका मतलब है कि ये वाला जो कोड मैंने लिखा है ये शायद पुराना हो चुका है अब, और ये अब काम नहीं कर रहा। अच्छा, देखते हैं कि जी ये वाली आईडी वाकई में डिलीट हो गई है कि नहीं हो गई। मैं दोबारा गेट ऑल पे जाता हूँ और गेट ऑल को हिट करता हूँ मैं, और इसके रिस्पांस के अंदर अब चेक करता हूँ कि ये आईडी आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, डिलीट हो चुकी है, ठीक है? अच्छा जी, अब ये मेरा क्रड ऑपरेशन क्या हो चुका है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आता हूँ अपने फ्रंट एंड के ऊपर, और अपने फ्रंट एंड पे आके मैंने सबसे पहला काम जो मैंने किया हुआ है यहाँ पे, ज़रा देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक। यूज़ इफेक्ट हिट होता है यहाँ पे, चाहिए तो अलर्ट को ख़त्म करने के लिए। एक दूसरा यूज़ इफेक्ट भी है मेरे पास, जिसमें गेट ऑल स्टोरीज़ का फंक्शन मैं कॉल करता हूँ। गेट ऑल स्टोरीज़ क्या करता है, तमाम की तमाम स्टोरीज़ को गेट करता है, और गेट करके उसको जस्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता है। बल्कि अब मुझे सिर्फ इसको डिस्प्ले नहीं करवाना, बल्कि मैंने इसको क्या करना है, सेट डेटा करके मेरे पास एक एक मेरे पास यहाँ पे स्टेट मौजूद है, उस स्टेट के अंदर भी मैंने इसको डिस्प्ले करवाना है, स्टेट के अंदर मैंने इसको सेट करवाना है, ठीक है जी? स्टेट में मैंने सेट करवा दिया। अब स्टेट में सेट करवाने के बाद मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकूँ, ठीक है? आओ यार, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देते हैं इसको हम। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा कि भाई डेटा डॉट मैप, और मैंने कहा कि यार ईच स्टोरी, एक्चुअली यस ईच स्टोरी, और ईच स्टोरी के अगेंस्ट मैं यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ। ओ जी एस एक्स नहीं है ये, चलो खैर हो गई यार, हाथ से लिख देते हैं डिव। ठीक है जी, ये मैंने एक अदर डिव बना दी। अच्छा, ये जो डेटा डॉट मैप के अंदर मैंने फंक्शन लिखा है, इसमें मैंने रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिखा, ये गौर कीजिएगा, गोल ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है? अगर आपने ये गोल ब्रैकेट नहीं लगाई है, इसमें कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं तो आपको रिटर्न का कीवर्ड भी लिखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, इसमें मेरे पास स्टोरी के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं। एक तो मैं लिख देता हूँ कि यार एच थ्री करके स्टोरी का जो टाइटल है, मैंने कहा कि यार ईच स्टोरी डॉट टाइटल, और उसके बाद मैं एक पैराग्राफ में ये लिख देता हूँ के जी ईच स्टोरी डॉट बॉडी। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, इस पोस्ट के अंदर और भी कई सारी चीज़ें हो सकती थी, जैसा कि डेट वगैरह है ना, तो ये भी हो सकता था, बट फिलहाल के लिए मैंने वो डेट वगैरह सारी चीज़ें नहीं रखी हैं इसके अंदर, इसमें ये दो ही चीज़ें मैंने रखी हैं। तो इतना काम करने से क्या होना चाहिए, स्क्रीन पे मेरी स्टोरी को क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए। इसमें मैं एक क्लास नेम भी लगा देता हूँ कि जी ये क्या है, स्टोरी कार्ड, ठीक है? और मुझे मैप चलाते हुए की भी चाहिए होती है, तो मैं की भी लगा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, की के लिए मैं क्या लगाता हूँ, चलो ईच स्टोरी डॉट आई डी लगा देता हूँ। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि ये एरे में डायरेक्ट इस तरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी हमें एक मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो ये इसी तरह मिल रहा है, क्योंकि वो एरे तो आता है, पूरा बड़ा एरे आता है, उसमें पता नहीं क्या क्या और आता है, देखना पड़ेगा। मेटा डाटा में आ रहा है, हाँ वही। अब आई एम नॉट श्योर कि वो किस में आ रहा है, देख लेते हैं यहाँ पे एक दफ़ा रिफ्रेश करके इसको। हाँ, नहीं आया ना। अच्छा, इस एरे के अंदर वो डॉट आई डी तो चलो सही सीधा सीधा मिल रहा है, बाकी का काम मुझे डॉट मेटा डाटा करके मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पे तमाम के साथ क्या करना पड़ेगा, डॉट मेटा डाटा लगाना होगा। अरे ये क्या हुआ, अच्छा मैंने क्वेश्चन मार्क बाद में लगा दिया। सही है, अब सेट हो गया। अच्छा, इन सबको अगर मैंने डिलीट करवाना है तो उसके लिए मेरे पास कोई हैंडल नहीं है इस वक्त, लेकिन चलो खैर हो गई, मुझे सबको डिलीट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ऑब्वियसली जो चीज़ जो मैंने बाद में पोस्ट की है उसको मैंने टॉप पे दिखाना है,
और जो मैंने पुरानी है उसको मुझे नीचे दिखाना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ हैंडल हो रही है कि नहीं हो रही। मैंने कहा कि भाई सम न्यू पोस्ट, और मैंने कहा कि भाई सम न्यू बॉडी टेक्स्ट, और इसको मैं पोस्ट करता हूँ। ठीक है जी, तो ये पोस्ट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया मेरे पास। और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अगर वो नीचे चला जा रहा है। ठीक है, सम न्यू पोस्ट। अब इसको मैंने ऑपोजिट करके प्रिंट करवाना है ऑब्वियसली। तो इसके क्वेरी के अंदर हम ये देख लेते हैं कि कोई सॉर्ट करने का कोई तरीका है क्या। फिर हाँ, मैं वही मुझे क्योंकि हर डेटाबेस के अंदर ना ये नहीं होता कि भाई सीक्वेंस में ही आ रहा हो। मोस्टली डेटाबेसेस जो उसको रैंडमली भी आगे पीछे भी कर रहे होते हैं, जैसे MongoDB वो तो प्रॉमिस करता है कि जब आप सीधा सीधा गेट करोगे तो वो सबसे नया डेटा सबसे लास्ट में ही मिलेगा आपको। ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये भी इस चीज़ को प्रॉमिस करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली अभी मैं वो कर नहीं रहा, लेकिन जैसे ही आपको बता रहा हूँ मैं कि जी मोस्टली मैं क्या करूँगा कि मेटा डाटा के अंदर ना एक टाइम का भी क्रिएटेड ऑन भी लगा दूँगा, और उससे मैं इसको सॉर्ट कर लूँगा या तो फ्रंट एंड पे लाके या तो सर्वर पे ही रहते हुए। ये अगर मुझे पाइन कोन अलाउ करता है, आई एम नॉट श्योर कि मुझे पाइन कोन ये चीज़ अलाउ करता है या नहीं करता। ठीक है, MongoDB हम अल्टीमेटली यूज़ करेंगे, वो तो हमें करता है अलाउ, तो वो सारा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको इसी तरह से बेयर करते हैं जिस तरह से ये है। ठीक है, जिस तरह से ये है उसको इसी तरह से हम बेयर करते हैं फिलहाल के लिए। ये मेरी UI इतनी ब्रोकन क्यों फील हो रही है यार? यहाँ पे शायद मुझे एक VR लगा देना चाहिए, और मुझे यहाँ पे भी एक VR लगा देना चाहिए। मच बेटर यार, सही है। और पूरी बॉडी के ऊपर भी मुझे ना ज़रा एक app.css में जाता हूँ मैं, और ज़रा कार्ड के ऊपर एक शेडो भी लगा देता हूँ थोड़ा सा, ये सब बढ़ा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। डॉट स्टोरी डॉट स्टोरी कार्ड के ऊपर मैंने क्या कर देना है, इस पर वो एलिवेशन लगा देनी है। और मैंने कहा कि जी जो बॉडी है ना, बॉडी के ऊपर आप क्या कर दो, मार्जिन दे दो आप 1 rem का मार्जिन दे दो आप। सही है, बॉडी पे मैंने 1 rem का मार्जिन दे दिया। और वो कैसे आती थी यार एलिवेशन, CSS एलिवेशन शेडो 93 CSS स्कैन दिया गया। ठीक है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला उठा लेता हूँ, और ये वाला उठा के मैं कहता हूँ कि भाई जो कार्ड है ना उसके ऊपर ये वाला एलिवेशन लगेगा। ठीक है, स्टोरी कार्ड ये मैंने किस पे लगा दिए, इसके ऊपर लगा दिए। आओ ज़रा देख लेते हैं अब क्या रिपोर्ट है। बहुत ही ज़्यादा लाइट है यार ये, तो पता ही नहीं लग रहा, कोई दूसरा उठाते हैं। ठीक है जी, ये हमारा कार्ड कुछ बन के तैयार हो गया। इस पर थोड़ी सी मुझे मार्जिन और पैडिंग भी ऐड करनी होगी ऑब्वियसली। ठीक है जी, ये मेरा कार्ड क्या हो गया, बन के रेडी हो गया। अच्छा जी, अब इसमें जो डिलीट की API है और जो एडिट की API है वो मैंने इंटीग्रेट करनी है। अच्छा, सब लोगों को पहले से ही आती है ये, या बताने की ज़रूरत है ये? हाँ भाई, कोई ऐसा है जिसने ये काम पहले से ही किया हुआ है? सही है, चलो कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। सही है, मैंने एक डिलीट का बटन बना दिया। इस डिलीट के बटन पे मैंने ऑन क्लिक लगाया एक अदद, और ऑन क्लिक लगाकर मैंने डिलीट हैंडलर, इसका मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ वैसे, मेरी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसका नाम रख दिया डिलीट हैंडलर।
और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। अच्छा ये एक, लेकिन इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह होगा कि पैरामीटर में, क्योंकि मैंने आईडी भिजवानी है ना, तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को देखो कॉल तो नहीं कर सकता ना ऐसे, मैं कॉल नहीं कर सकता ऐसे, तो मुझे करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे एक अदद मुझे फंक्शन यहीं पे बनाना पड़ेगा। ये कॉल बैक नहीं है, ये प्रॉपर फंक्शन है जो फंक्शन होता है, ठीक है। बट मैंने उसको ऊपर बनाने के बजाय मैंने उसको यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे बनाने का रीज़न क्या है कि मैं इसके अंदर ये फंक्शन ऐसे करके कॉल कर सकूँ, और ऐसे करके कॉल करने के बाद क्या करूँ, ये स्टोरी डॉट आई डी करके मैं इसको दे सकूँ। अच्छा बावजूद इसके कि अगर मैं ऑन क्लिक के ऊपर ये आईडी ना भी भिजवाऊँ, अगर मैं ऑन क्लिक पे ये आईडी ना भी भिजवाऊँ, तो स्टिल मैं इस आईडी को गेट कर सकता हूँ। इसको मैं कैसे गेट कर सकता हूँ, जब मुझे जाहिर है इसका इवेंट मिलता है ना, क्लिक का इवेंट मिलता है, तो क्लिक के इवेंट के ऊपर जब मैं उससे उसका पेरेंट पकड़ूंगा ना, डॉट पेरेंट, डॉम के मेथड रिएक्ट में भी वो काम करते हैं, डॉम वाले वो वाले मेथड ना, तो वो जब मैं डॉट पेरेंट पकड़ूंगा ना इसका, तो मुझे उसके अंदर ये H3 भी मिल रहा होगा, ये पैराग्राफ भी मिल रहा होगा, और ये भी मिल रहा होगा, और इसकी ये की भी मिल रही होगी। ये की बहुत आसानी से मुझे मिल जाती है क्योंकि वो डॉम सारा अपना चल रहा है इनका वर्चुअल, तो उसके अंदर ये की बड़े आराम से मुझे मिल जाती है। तो मैं इस की से भी उठा सकता हूँ उसको, मैं कहूँगा भाई इवेंट डॉट टारगेट डॉट एलिमेंट और डॉट पेरेंट, तो डॉट मतलब इस बटन का जो डायरेक्ट पेरेंट है वो कौन है, ये डिव है, तो इस ये डिव मुझे मिलेगा, और इस डिव के ऊपर मैं जाऊंगा प्रॉप्स पे या एट्रीब्यूट्स जो भी होगा, तो ये होपफुली मुझे ये उसमें भी मिल रहा होगा। लेकिन ये ज़रा सा एक नीट एंड क्लीन तरीका है और बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है। इसके लिए शायद मुझे 2 लाइन 3 लाइन का कोड लिखना पड़े मे भी। तो ये डिलीट स्टोरी मैंने यहाँ पे ऐसे करके बना दिया। अब ये डिलीट हैंडलर मुझे ऊपर तैयार करना है फंक्शन, जो कि ऑब्वियसली अभी बना हुआ नहीं है। पोस्ट स्टोरी के फ़ौरन बाद मैंने कहा कि जी कॉन्स्ट और डिलीट हैंडलर, और यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, ऑब्वियसली एक ये ट्राई कैच वाला ही काम करना है, जो मैंने ट्राई कैच का यहाँ पे काम किया हुआ है ना पोस्ट पे, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे थोड़ा सा ही इसको चेंज करना पड़ेगा, बाकी तो सारा वही रहेगा, ठीक है। आईडी मुझे यहाँ मिलती है, मैं कहता हूँ एग्जियोस डॉट डिलीट, ठीक है, API/v1/story और स्लैश उसके बाद यहाँ पे आईडी, ठीक हो गया। बॉडी में मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, तो बॉडी को मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्स को यहाँ पे कॉन्सोल करवा दिया, इज लोडिंग को फॉल्स किया है। अब डिलीट करवाते हुए शायद मुझे इस लोडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, लगा हुआ है तो मैं इसको लगा रहने देता हूँ। फॉर्म मुझे है नहीं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अलर्ट के अंदर वो लिखा हुआ आ जाएगा कि जी ये डिलीटेड हो गया है, ठीक है। ओके जी, डिलीट मैंने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया। रिफ़्रेश करता हूँ मैं इसको, और रिफ़्रेश करने के बाद ये सबसे फर्स्ट वाला है ना, इसको डिलीट हिट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो है ना स्टोरी डिलीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। अच्छा लेकिन हुआ क्या, ये स्क्रीन से गायब नहीं हुई। गायब इसलिए नहीं हुई है क्योंकि पोस्ट करने के बाद, गेट स्टोरी पोस्ट करने के बाद मैं इस गेट और स्टोरी को हिट नहीं कर रहा, ठीक है, और ना ही मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट करने के बाद मैं इसको हिट कर रहा हूँ, इसलिए वो रियल टाइम में मेरे पास ऐसा लग रहा है स्क्रीन पे रियल टाइम में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, गेट स्टोरी को ऐसे हिट करूँगा कि जब भी डिलीट हो, जब भी गेट हो, तो तमाम स्टोरीज़ को दोबारा गेट किया जाए। अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि मैं डिलीट करने पे तमाम स्टोरी को दोबारा गेट करूँ, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। बेहतर ये तरीका है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास क्योंकि स्टेट लोकली मौजूद है ना, तो उस स्टेट में से मैं लोकली ही इफ़ लगा के और फाइंड करके उसको रिमूव मार दूँ, ताकि स्क्रीन पर दिख जाए, ताकि मेरी एक API कॉल बच जाए, ठीक है। मैं हमेशा जब API कॉल बचा सकता हूँ तो मैं बचाऊँगा, क्योंकि मुझे तो पता है ना मैंने कौन से को डिलीट किया है। पोस्ट करते हुए भी यही अप्रोच होगी ऑब्वियसली, एडिट करते हुए भी इवन यही अप्रोच होगी। वैसे तो मोस्टली हम क्या करते हैं, एडिट जब हिट करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में मुझे एडिट हुई भी पूरी पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो मैं उसी को उठा के बीच में घुसाता हूँ और पुराने को हटा देता हूँ। तो जहाँ जहाँ पर मैं API कॉल बचा सकूँगा मुझे बचानी चाहिए, सही है। आ जाओ यहाँ पर, अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। यार लोडिंग यहाँ शो नहीं हो रहा है, ये क्या बकवास है। अच्छा गेट ऑल स्टोरी में मैंने लोडिंग का कोई हिसाब किताब रखा हुआ नहीं है, इसलिए नहीं शो हो रहा, ठीक है। हालांकि मुझे यहाँ पे स्टोरी पे लोडिंग लगाना चाहिए था। वेल लोडिंग तो हमने पहली क्लास में सीख लिया था, जो वेदर ऐप हमने बनाई थी उसमें लोडिंग लगाने का सारा हिसाब किताब हम सीख चुके थे। अच्छा तो यहाँ पे हमारा ना ये डिलीट वाला काम पूरा हो गया, ठीक है। डिलीट को मैंने हिट किया और डिलीट गायब हो गया स्क्रीन से,
ठीक है, वो लोडिंग वोडिंग थोड़ा लगेगा अभी, क्योंकि ब्रोकन फील करवा रहा है, क्योंकि वो लोडिंग का सेटअप सही नहीं हुआ। वो जैसे ही लोडिंग का सेटअप सही होगा ये सही लगने लग जाएगा। अब मैंने आगे इसको करना है एडिट। अच्छा जी, एडिट करने के लिए मुझे थोड़ा सा ये ट्रिकी रहेगा एडिट करना, कि मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आकर मैं अच्छा चलो लोडिंग को भी मैं इधर डिस्प्ले करवा देता हूँ। अच्छा इज लोडिंग है ये एक्चुअली। यार दिख रहा नहीं है अभी भी, ये क्या चक्कर है? इज लोडिंग तो ये दिखना चाहिए ना, फॉर्म के फौरन बाद दिखना चाहिए। अच्छा वेल, अच्छा सही है, डिलीट में ये दिख रहा है, गेट वाले में नहीं दिख रहा, क्योंकि गेट वाले में मैंने ये लोडिंग का काम नहीं किया हुआ। ठीक है चलो आओ गेट वाले में भी ये लोडिंग वाला काम कर लेते हैं ना। गेट ऑल स्टोरीज में भी मैं क्या कर देता हूँ, ये मैं ट्राई लगा देता हूँ इस लोडिंग, और उसके बाद मेरे पास जो है वो कैच जो बनेगा इसका वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है तो मैंने गेट में भी ये लोडिंग वाला हिसाब किताब लगा दिया, तो अब मुझे यहाँ पे लोडिंग दिख रहा है, अब मुझे लोडिंग दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है ठीक है, इस लोडिंग को मैंने बहुत ज़्यादा फैंसी तरीके से नहीं दिखाया, लेकिन आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं। अच्छा अब मुझे एक अदद इसमें चाहिए सर्च बार, ओ सॉरी अभी एडिट तो नहीं किया ना, एडिट तो पहले कर लें, एडिट कर लेते हैं पहले, एडिट करते हैं उसके बाद सर्च बार लगा के इसको हम क्लास को कम्प्लीट करते हैं हमारी। अच्छा अभी जो मैं डिस्प्ले करवाता हूँ ना यहाँ पे एक डिव डिस्प्ले करवाता हूँ एक मैं, ठीक है इसी डिव को मैं जब एडिट का बटन यहाँ पे दबाऊँ, जब मैं एडिट का बटन यहाँ पे दबाऊँ तो यही वाला जो डिव है वो क्या हो जाना चाहिए, यही वाला डिव एक फॉर्म में कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ मैं। मिसाल के तौर पे जो मैंने HTML के टाइम पे जब हमने क्रड किया था तो भी हमने इसी तरह का काम किया था। अच्छा वैसे आप चाहें तो पॉप ओवर भी खुलवा सकते हैं, ठीक है कोई डायलॉग बॉक्स भी खुलवा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस तरह से इसको कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि यार जब भाई एडिट का बटन दबाया जाए तो क्या मैं ऐसा करूं कि ये कार्ड ख़त्म हो जाए और इस कार्ड की जगह पे क्या आ जाए, एक अदद फॉर्म बना हुआ आ जाए छोटा सा, है ना, मुझे ये काम करना है। तो मैं यहाँ पे पहले तो इस पूरे आइटम को मैं कंडीशनल बना दूंगा, मैं इस पूरे आइटम को क्या कर दूंगा कंडीशनल बना दूंगा कि जी सम एट सम कंडीशन अगर वो ट्रू हो, ठीक है अगर वो ट्रू हो तो यहाँ पे क्या दिखाया जाए एक अदद फॉर्म दिखाया जाए। ठीक है अब ये फॉर्म, और एल्स जब वो कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाली बात दिखाई जाए। ठीक है तो मैंने कुछ इस तरह की एक सेटिंग बना दी, इसको मैं जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है जी, मैंने कहा ये स्टोरी कार्ड आपने एक सर्टन सिचुएशन में ही दिखानी, हर दफ़ा नहीं दिखानी। ये मैंने क्या गड़बड़ की है, कंडीशन नहीं लिखी ना मैंने, मैंने कहा जी ईच स्टोरी डॉट इज एडिट, ईच स्टोरी डॉट इज एडिट अगर ट्रू हो ना तो यहाँ पे मैंने कहा कि आपने क्या दिखाना है, आपने दिखाना है फॉर्म। अभी भी एरर क्यों शो कर रहा है, प्रॉपर्टी असाइनमेंट नहीं, ये रिटर्न वैल्यू है ना एक्चुअली इसकी, ब्रैकेट का कुछ ऑर्डर मैंने आगे पीछे कर दिया है। सर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं, उसके लिए कर्ली ब्रैकेट तो लगेगी ना ऑब्वियसली, शायद कर्ली ब्रैकेट फ्रैगमेंट में जाए।
वेल मैं इसका ये गोल ब्रैकेट हटा के ज़रा इसको रिटर्न वाले उस पे लाता हूँ, मैं इसको रिटर्न वाले तरीके पे लाता हूँ। अब इस पे सही हो गया ये, ठीक है सही हो गया तो ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है। मैं अपने दोनों इसको जो है ना वो भी कर देता हूँ, गोल ब्रैकेट्स में भी रैप कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि जी डेटा पे मैप चलाओ आप, लेकिन रिटर्न वैल्यू पे क्या रखा मैंने, रिटर्न वैल्यू पे मैंने रखा है एक टर्नरी ऑपरेटर। मैंने कहा अगर इज़ ईच स्टोरी डॉट इज़ एडिट अगर ट्रू हो तो फॉर्म दिखाओ आप, अदरवाइज आप ये दिखाओ। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट इज़ स्टोरी पे जो इज़ एडिट है वो क्या मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट मुझे, जब मैं रेंडर करूँगा स्क्रीन पर तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे वो अनडिफाइंड मिलेगा एक्चुअली, सही है मुझे वो अनडिफाइंड मिलेगा। अच्छा मुझे फॉर्म क्या दिखाना है, फॉर्म एग्जैक्टली मुझे यही वाला दिखाना है, फॉर्म एग्जैक्टली मुझे यही दिखाना है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं चेंज करूँगा ऑब्वियसली इस फॉर्म के अंदर, लेकिन फॉर्म मुझे दिखाना यही वाला है, ठीक है। मतलब फॉर्म यही दिखाने से मुराद ये है कि इसके अंदर मेरे पास ऑन सबमिट के ऊपर क्या होगा, अपडेट स्टोरी होगा ऐसे करके, ठीक है, इसके ऊपर अपडेट स्टोरी होगा, लेकिन मेरे पास लेबल वही होगा, मेरे पास इनपुट के जो मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ की सारी चीज़ें वही होंगी मेरे पास, ठीक है। मेरे पास जो इसमें रेफ लगा हुआ है बॉडी का एलिमेंट के ऊपर जो रेफ लगा हुआ है बॉडी का और टाइटल का, ये दोनों रेफ वही होगा। जब मैं डेटा उठाऊंगा अपडेट के क्लिक के ऊपर तो मैं यहीं से डेटा उठा रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। या मे बी मुझे इसका रेफ चेंज करना चाहिए, पता है क्यों मुझे रेफ इसलिए चेंज करना चाहिए कि एक ही रेफ मेरे पास ऊपर फॉर्म पे भी आ रहा होगा और नीचे फॉर्म पे भी आ रहा होगा, ठीक है। या मे बी मुझे ये रेफ कम्प्लीटली हटा देना चाहिए, ये रेफ मुझे कम्प्लीटली हटा देना चाहिए। हाँ वो गेट ऐसे करेंगे कि जब हम ये सबमिट करेंगे ना, जब हम इसको ऑन सबमिट पे अपडेट स्टोरी चलेगा तो उसमें इवेंट मिलेगा, इवेंट से गेट करते हैं इवेंट डॉट टारगेट, और उसके अंदर मुझे ये दोनों मिल रहा होगा। किस नाम से मिलता है ये, जो इसका नेम होता है ना उससे मुझे मिलता है ये, तो नेम इस पर लगा देता हूँ मैं। आई एम नॉट श्योर कि अभी नेम से मिलता है या किससे मिलता है, लेकिन चलो नेम लगा देते हैं, ठीक है। नेम से मोस्ट प्रॉब्ली ये मिल रहा होता है, तो यहाँ पे मैं नेम लगाऊंगा ना तो मुझे वो सीधा सीधा मिल जाएगा, जो आईडी है वही मैंने नाम रख दिया है यहाँ पे। अच्छा मैंने इन रेफ इसलिए हटा दिया कि एट द सेम टाइम मैं दो या तीन पे भी एडिट का बटन दबा सकता हूँ ना, जो सिचुएशन मैंने यहाँ पे की हुई है, तो मैं एट द सेम टाइम दो या तीन भी एडिट हो रहे होते हैं, हो सकते हैं, तो वो रेफ किसको पॉइंट कर रहा होगा। और फिर ये चल रहा है मैप, अब मैप में तो मेरे पास 200 एलिमेंट रेंडर होंगे तो 200 का एक ही रेफ है क्या, नहीं ये गलत हो जाएगा, सही है। अगर मैं ऐट द सेम टाइम दो तीन को एडिट नहीं भी कर रहा हूँ तो रेंडर तो ये कई दफ़ा हुआ है ना, और हर दफ़ा एक ही रेफ है उसका, तो दिस इज़ नॉट गुड। तो इसलिए मैंने रेफ को कम्प्लीटली यहाँ से हटा दिया, इसको मैं इवेंट के ज़रिए ऐड कर लूँगा। अच्छा ये हो गया, अब अभी तक मेरे पास यार ये क्यों आ जाता है शुरू में बार बार। अच्छा अपडेट स्टोरी फंक्शन नहीं मिल रहा है इसको, अपडेट स्टोरी के नाम से वो कह रहा है कोई फंक्शन ही नहीं बना हुआ, चलो बना देते हैं। ठीक है जी अपडेट स्टोरी मैंने बना दिया इसका दिल रखने के लिए। अच्छा अभी मेरे पास दिखता सिर्फ ये कार्ड ही है, क्योंकि हमेशा वो इज़ एडिट हमेशा फॉल्स मिलता है, हमेशा अनडिफाइंड मिलता है इसकी वजह से, और एडिट का बटन दबाने से कुछ हो भी नहीं रहा क्योंकि मैंने एडिट पर कोई काम भी नहीं किया हुआ। अच्छा अगर मैं ये करूँ कि एडिट, क्योंकि ये मैप चल रहा है ना ईच स्टोरी, अगर मैं एडिट का बटन दबाने पे ईच स्टोरी का वो खास इंडेक्स अपडेट मार दूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा ये, सही है। इसके लिए मुझे चाहिए होगा इसका इंडेक्स, मैंने कहा ईच स्टोरी और इंडेक्स है मेरे पास। अच्छा ये फॉर्म को फ़िलहाल मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है ये फॉर्म इमेजिन करो नहीं है यहाँ। एडिट का बटन जब यहाँ पर क्लिक होता है, एडिट का बटन जब यहाँ पर क्लिक होता है तो मैं कहता हूँ कि अभी जो डेटा का जो इंडेक्स कौन सा है, जो अभी इंडेक्स है डॉट इज एडिट इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। अच्छा डेटा जो है वो स्टेट है मेरी, याद रखें ये डेटा रीड ऑनली है, ये अपडेट नहीं होता, ये इस तरह करने से ये अपडेट नहीं होता, बल्कि एज अ टेम्प्रोरी वेरिएबल मैंने उसको इस्तेमाल किया और इज एडिट को ट्रू करवा दिया। और फिर उसके बाद क्या करूँगा मैं, सेट डेटा करके ना, और इसको मैं ऐसे करके क्लोन उसको बनाऊँगा, एक नया ऐसे क्लोन बनाऊंगा, तो जब जाके उसको पता लगेगा कि अच्छा यार कुछ एडिट हो गया, सही है। ये सबको समझ आया ये मैंने क्या काम किया,
ये हुआ ये है, देखो ये मैप चल रहा है ना मेरे पास पूरा, शायद ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए ना एक और काम कर रहा हूँ इस पर। मैं इसको थोड़ा सा आसान कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है रिटर्न के साथ ना ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं। सही है, वो रिटर्न का जो इशू था ना उसको मैं ज़रा रिजॉल्व कर रहा हूँ। राइट, ये रिटर्न वाला जो इशू था ना इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। ये मैंने वापस इसको गोल ब्रैकेट वाली अप्रोच पे ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, एक्चुअली जब ये मैप चलता है मेरा तो यहाँ से मैं एक डिव रिटर्न करता हूँ। राइट, एक डिव रिटर्न करता हूँ मैं, जो कि देखो डिव यहाँ से शुरू है और ये यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, ये देखो मैं हाथ रखता हूँ इसके ऊपर तो ये मैच हो जाता है इस ब्रैकेट से। ये इतना बड़ा डिव मैं रिटर्न करता हूँ किस पे, इस मैप के चलने पे। अच्छा, लेकिन इस डिव के अंदर जो डेटा है ना वो कंडीशनल है कि इस डिव के अंदर क्या दिखेगा, इसके अंदर दिखेगा। अब इसके लिए मुझे यहाँ पे ऐसे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब ये पूरा डिव है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना ये मैंने जावास्क्रिप्ट लिख दी है इस डिव के अंदर। बहुत गौर से देखोगे तो समझ आएगा ये। इस डिव के अंदर ये मैंने जावास्क्रिप्ट लिख दी है। अब इस जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फॉर्म दिखेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इतना पार्ट दिखेगा नीचे वाला। सही है, ये बात समझ आ गई सब लोगों को। ये मैंने कंडीशन लगा दिया, ट्रू है तो ये दिखेगा, फॉल्स है तो ये दिखेगा। अच्छा, अब जब फॉल्स होने की सूरत में दिखता है ना वो है कार्ड। सही है, एक कार्ड है ईच स्टोरीज में मिलता है मुझे, ईच स्टोरीज में मुझे मिल रहा होता है। अच्छा, ईच स्टोरी के साथ साथ मुझे इंडेक्स भी मिल रहा होता है। मैप चल रहा है ना तो दोनों चीज़ें मिलती हैं मुझे, ईच स्टोरी भी मिलता है हर दफ़ा, यानी स्टोरी पे जब मैप चलता है तो, या ईच इंडेक्स कह लो उसको या ईच एलिमेंट कह लो उसको, कोई भी नाम इसका मैं रख सकता हूँ, और साथ में इंडेक्स भी मिल रहा है मुझे। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे इंडेक्स तो पता था ना कि इस वाले कार्ड पे, यानी मिसाल के तौर पे ये 200 कार्ड रेंडर हुए हैं, तो मैं जिस कार्ड पे एडिट का बटन दबाऊंगा, जिस कार्ड पे एडिट का बटन दबाऊंगा, मिसाल के तौर पे मैंने कार्ड नंबर 3 के ऊपर एडिट का बटन दबाया, तो मैंने क्या करना है, स्टेट में जाके उसी एलिमेंट के ऊपर, मेरा जो स्टेट है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, मेरा जो स्टेट है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मैं उस एरे के अंदर जो नंबर 3 पे जो पड़ा हुआ है उस ऑब्जेक्ट को जाके ना उसमें इस एडिट को सम हाउ ट्रू करवा दूं अगर, तो वो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्म। सही है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे से, मैं क्या करता हूँ यही काम करता हूँ। अच्छा, ये कार्ड नंबर 3 अगर है तो इसके एडिट के बटन के क्लिक के ऊपर मैं स्टेट में जाता हूँ, और स्टेट में भी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ना इस एडिट को ट्रू कराता हूँ। जैसे ही वो ट्रू होगा ना रीरेंडर होगा, कार्ड नहीं डिस्प्ले होगा, आपके पास फॉर्म डिस्प्ले होगा। सही है, अच्छा तो अब समझ आ गई ये क्या लिखा हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ ना आई हो ये बात। मैंने कहा कि यार इस वाले इंडेक्स के ऊपर ना डेटा के इस वाले इंडेक्स पे डॉट इज एडिट उसको ट्रू कर दो, और इसका फिर क्लोन बना के मैंने उसको दिया। मैंने कहा ये लो क्लोन, अगर मैं क्लोन नहीं दूंगा तो उसको पता नहीं लगेगा कि कुछ हुआ है। हम ये चीज़ एरे जब पढ़ रहे थे उसी वक्त हम देख चुके थे। रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं यहाँ पर, और रिफ्रेश करने के बाद में एडिट का बटन जैसे ही दबाता हूँ तो आप देखें ये क्या हो जाता है, कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसकी CSS क्यों गायब हो गई? अच्छा, CSS इसलिए गायब हो गई कि क्लास नेम जो है ना, मैंने अब इसको, हाँ ये क्लास नेम मुझे उस पर देना पड़ेगा। सही है, यहाँ देना पड़ेगा। अच्छा, और ऑब्वियसली मुझे ये की भी वहाँ देनी पड़ेगी ना, की थोड़ी यहाँ देंगे अब, की तो डायरेक्ट उस पर देते हैं जिस पर वो चल रहा होता है ना, की मुझे यहाँ देनी चाहिए ना अब ऑब्वियसली, क्योंकि मैप के ऊपर डायरेक्ट तो ये वाली चीज़ चल रही है। सही है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ बच्चे। ठीक है जी, परफेक्ट है, रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं, ख़त्म हो जाता है ये। दोबारा इसको मैं क्या करता हूँ, एडिट का बटन दबाता हूँ तो इतना पार्ट पूरा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, एक तो यहाँ पे अभी पोस्ट लिखा हुआ है, इसको मुझे क्या करना है, अपडेट बटन इसका मुझे चेंज करना है। आज इसका बटन चेंज करते हैं, इसको मैं करता हूँ कि यार अपडेट। ठीक है, और ना सिर्फ इसको मैंने अपडेट करना है बल्कि यहाँ पे एक मुझे और भी बटन बनाना है जिसका नाम मुझे क्या रखना है, कैंसिल। और कैंसिल करने से क्या हो जाना चाहिए, वो वापस कार्ड बन जाना चाहिए मेरे पास। तो मैंने ऑन क्लिक किया इसके ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर मैंने सेम काम किया, लेकिन अब की बार मैंने काम कैसे किया है,
देखो इस काम को करने का ना एक तरीका और भी है, जो मैंने नीचे जो तरीका किया है ना ये वाला, कि डेटा का इंडेक्स और इज एडिट, अगर मैं डायरेक्ट ईच स्टोरी पे भी ये डॉट इज एडिट बोल देता ना तो भी हो जाता है ये। जो इसने देखो यहाँ पे सजेशन दिया ना, तो इसी तरह इसने किया, ठीक है, इसने बोला ईच स्टोरी पे ही डॉट इज एडिट को ना फॉल्स कर दो, और जब मैं इसका क्लोन बनाता हूँ ना तो मुझे वो मिल जाता है। अच्छा कैसे मिल जाता है, क्योंकि देखो जब मैप चलता है ना मेरे पास यहाँ पे डेटा डॉट मैप, तो ये जो ईच स्टोरी है ना ये क्लोन नहीं है इसका नया, ये इसके साथ एसोसिएटेड है, तो मैं ईच स्टोरी को अपडेट करूँगा तो एक्चुअल डेटा अपडेट हो जाता है। सही है। अब ये जैसा कि मैंने कहा था जब एरे पढ़ाते हुए कि अगर ये एरे की क्लोनिंग अगर आपको समझ नहीं आई ना तो ये बाद में बहुत तंग करेगा, तो ये वो जगह आ गई है। इस जगह पे अगर आपको एरे की क्लोनिंग का आइडिया नहीं है तो ये जगह आपको समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। अगेन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। एक दफ़ा मैंने कहा कि ईच स्टोरी डॉट इज एडिट, पहले तो मैं ये कहता था ना, मैं कहता था डेटा का इंडेक्स ये वाला और डॉट इज एडिट, ये भी सही तरीका है, गलत नहीं है, ये सही तरीका है, लेकिन ये ज़रा नीट एंड क्लीन तरीका है हमारा। मैंने कहा कि यार जो मैप चलते हुए जो मुझे हर एलिमेंट मिलता था ना, उस एलिमेंट पे ही मैंने डॉट इज एडिट लगा दिया, और मैंने कहा भाई उसको फॉल्स, पहले ट्रू किया था अब फॉल्स कर रहा हूँ कैंसिल के बटन पे। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन अब देखो मैं क्लोन किसका बना रहा हूँ, डेटा डेटा का का, स्टेट। ठीक है, स्टेट के डेटा का, जिसके ऊपर डॉट मैप चला रहा था तो मुझे ईजी स्टोरी मिलता था। तो इस तरह भी ये बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ मैं इसको, और रिफ़्रेश करके मैं एडिट दबाता हूँ तो ये कार्ड बन जाता है, कैंसिल करता हूँ तो वापस डेटा बन जाता है भाई। तो अपडेट स्टोरी का जो है ना, ये मैंने वही कॉपी करके यहाँ पे ले लिया है जो मैं पोस्ट पे करता था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, एक्सियोस डॉट पुट कर दिया, स्टोरी यहाँ पे लगा दी, और यहाँ पे स्लैश करके मुझे इसको आईडी देनी पड़ेगी अब। सही है, स्लैश करके मैं इसको आईडी दे देता हूँ। अच्छा आईडी मैं कैसे दूंगा इसको, ये सवाल है कि आईडी अब इसको मैं कैसे दूंगा यहाँ से। अपडेट स्टोरी से मैं समहाउ रिसीव करूंगा ना, नीचे मैंने क्या किया अपडेट स्टोरी में। अच्छा ये अपडेट स्टोरी आ गया ना मेरे पास। अच्छा अपडेट स्टोरी पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक छोटा सा यहाँ पे फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट स्टोरी जब मैं हिट करता हूँ तो मुझे आईडी के साथ हिट करनी है, राइट। इसको भी मैं इवेंट्स के ज़रिए गेट कर सकता हूँ, लेकिन मुनासिब यही है कि मैं यहाँ पे एक क्या करूँ, एक छोटा सा यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर लूँ ऐसे, और इसके अंदर अपडेट स्टोरी कॉल करूँ ताकि मैं इसको क्या कर सकूँ, इसको मैं आईडी के साथ हिट करवा सकूँ, ठीक है। तो अब की बार आप मुझे क्या मिल रहा होगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट आईडी मिल रही होगी, ठीक है, इवेंट नहीं, अब मुझे आईडी मिल रही है यहाँ। ये अब इसको नहीं चला रहा हूँ मैं एक्चुअली, इवेंट अगर मैं चाहूँ तो मैं रिसीव कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे ज़रूरत तो नहीं है वैसे भाई। इधर देखते हैं अगर रिफ़्रेश होगा तो हम इसका जुगाड़ कर लेंगे, मेरा ख्याल है होना नहीं चाहिए, क्यों मेरे फॉर्म में ना मैंने अलग अलग बताया हुआ है। देखो मैंने बोला कि यार ये बटन सबमिट का है और ये बटन मैंने सबमिट का मेंशन नहीं किया है, ठीक है, एक बटन पे मैंने मेंशन कर दिया तो वो दूसरे के साथ कंफ्यूज नहीं होगा। वैसे ये होता है कि अगर मेरे फॉर्म में एक ही बटन होता है अगर, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो सबमिट कंसिडर करता है, लेकिन अगर दो बटन होते हैं ना तो वो दोनों को सबमिट कंसिडर कर रहा होता है, मोस्टली ऐसा देखा गया है, ठीक है, लेकिन एक को अगर मेंशन कर दो तो दूसरे को फिर छोड़ देता है वो, लेकिन स्टिल अगर वो नहीं करता तो हम उसको देख सकते हैं। क्या कर रहा था जी मैं, अच्छा मैंने पुट कर दिया, और पुट करने के बाद मुझे क्या देना पड़ेगा, टाइटल में मुझे टाइटल देना पड़ेगा ये, हाँ मुझे इवेंट तो चाहिए ना, मुझे इवेंट तो चाहिए, हाँ ना, इवेंट के बगैर मैं यहाँ से वैल्यू कैसे निकालूंगा। आ जाओ फिर यहाँ से इवेंट भी देते हैं। अच्छा यहाँ मुझे इवेंट मिल रहा होगा तो मैं पहले यहाँ पे इवेंट लूँगा, कॉमा डाल के मुझे आईडी ले लूँगा मैं, ठीक है, ऐसे कर लूँगा मैं, तो मुझे ये इवेंट भी मिल गया, मुझे आईडी भी मिल गई, दोनों चीज़ें मिल गई। आ जाओ भाई, अब यहाँ पे मुझे एक्चुअली पहले ई मिल रहा होगा और फिर आईडी मिल रही होगी, ठीक है। तो अब मैं इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट बड़े आराम से यहाँ पे लगा सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे अब मैं कैसे करूँगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट, सही है, टाइटल इनपुट डॉट वैल्यू। अब इसने मुझे सजेशन दिया है, अब सजेशन में होपफुली इसने सही दिया होगा, टाइटल इनपुट उसका नेम है, अच्छा आईडी से भी उड़ जाता है, लेकिन आईडी से फिर एक और लगाना पड़ता है कि डॉट पता नहीं जीरो और फिर डॉट आईडी ऐसे करके लगाना पड़ता है, उससे भी हो जाता है, दोनों से उड़ जाता है, एट्रीब्यूट नेम से भी उड़ जाता है, इवन एट्रीब्यूट का कोई भी दूसरा नेम उससे उड़ जाता है। अच्छा यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाया, गेट ऑल स्टोरी दोबारा की, इवेंट डॉट रीसेट फॉर्म की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली मेरा जो अपडेट था ना वो कंप्लीट हो जाएगा।
अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इंजमाम मलिक लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि यार अच्छा ये पहले से इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा, ये भी मुझे चाहिए। रेफ से नहीं करेंगे हम, ये हम ऐसे करेंगे, यहाँ जो मेरा फॉर्म प्रिंट होता है ना, इज एडिट ट्रू पे जो फॉर्म प्रिंट होता है, इसके अंदर मुझे कैसे करके दूँ वैल्यू, सही दे रहा हूँ ऐसे मैं वैल्यू, ऐसे वैल्यू नहीं दूंगा मैं, इसको दूंगा इनिशियल वैल्यू। वैल्यू नहीं, इनिशियल वैल्यू होगा। सजेशन में वो दे नहीं रहा, इसलिए मैं जस्ट मैं मेक श्योर कर रहा हूँ। अबे क्या हो गया, क्या हेलुसिनेशन हो रही है मेरे को इसकी भी। नहीं था यार, इनिशियल वैल्यू के नाम से एक आइटम था इसमें। यार वैसे ही मैं लिख देता हूँ हाथ से, सजेशन में नहीं आ रहा वो, आई एन, ठीक है, इनिशियल वैल्यू करके मैं दूंगा इसको ऑब्वियसली। और इनिशियल वैल्यू करके मैं कैसे दूंगा इसको, सेम उसी तरीके से दूंगा जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ। अच्छा, अगर मैं इनिशियल वैल्यू नहीं देता हूँ इसको, मैं सीधा सीधा वैल्यू लिख देता हूँ, तो उससे मसला क्या होगा, मसला ये होगा मुझे चेंज नहीं करने देगा, सही है, मसला ये होगा कि मुझे वो चेंज नहीं करने देगा, जब मैं चेंज करूँगा मुझे वापस वहीं पे लाके खड़ा कर देगा वो, क्योंकि वैल्यू फिक्स होती है। इनिशियल वैल्यू क्या होती है, वो जस्ट पहली दफ़ा उसको चेंज करेगा। अरे ये क्या बकवास है यार, नहीं नहीं इनिशियल वैल्यू देते हैं यार, ये क्या बकवास है। रिएक्ट के इनपुट कंपोनेंट पे चलते हैं, यहां पे मुझे मोस्ट प्रॉब्ली वो मिल जाएगा, ये ना प्रोवाइडिंग इनिशियल वैल्यू। अच्छा डिफॉल्ट वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू है, सही है, डिफॉल्ट वैल्यू। अगर मैं इसको सिर्फ वैल्यू दूंगा ना, तो मुझे ये चेंज नहीं करने देगा, अभी जैसे मुझे ये चेंज करने दे रहा है ना, मुझे चेंज नहीं करने देगा ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यार सम न्यू टेक्स्ट बॉडी, और अपडेट का बटन दबा दिया मैंने, तो ये अब क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए। लेकिन ये मुझे अपडेटेड वैल्यू क्यों नहीं दी इसने लाके, वो असल में वो ऊपर नीचे कर दिया उसने, ठीक है, सम न्यू टेक्स्ट बॉडी ना, वो नीचे लेके चला गया। तो एक्चुअली ये सॉर्टेड डेटा नहीं है, ना ही इसको मैंने डेटाबेस के लेवल पे सॉर्ट किया है, लेकिन हमारा जो क्रड ऑपरेशन था ना इस पॉइंट पे, वो क्या हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमारा सर्च रह गया, लेकिन हम ऑलरेडी ज़रा सा अपने टाइम से आज ऊपर निकल आए, तो ये सर्च वाला काम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।